दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए बीए में प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन रविवार को विश्वविद्यालय परिषद सहित 10 केंद्रों पर किया गया। सभी केंद्रों पर परीक्षाएं सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा के लिए कुल 11,277 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से कुल 9,970 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,307 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा को छोड़ दिया। दूसरी पाली में एमए हिंदी की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए 340 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा में 292 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 48 अनुपस्थित रहे। इस बारे में अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर आसान था, उम्मीद है विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संदीप कुमार, अनुराग पाठक, आरुषि राय और तन्नु भारती ने कहा, संजीत कुमार। सर बहुत बढ़िया है, जितना याद किया था सर पूरा आया है, और सर कुछ इधर उधर हुआ है तो वो भी सही है, अपने हिसाब से जितना याद किया था सब आया है। मेरा नाम अनुराग पाठक है, मैं देवरिया से हूँ। पेपर काफ़ी इजी और काफ़ी सही आया था, अगर इसको कोई इंटरेस्ट ना निकाल पाए तो कभी कुछ निकाल पाएगा। आरुषि राय। पेपर किस तरह आया था? अच्छा आया था। नहीं अच्छा, ठीक था, जिसमें पढ़े थे उतना में से ही आया था। मेरा नाम तनु भारती है, मैं नॉर्मल से हूँ, और पेपर अच्छा भी था, मतलब बुरा भी था, बस ये है पढ़ने के ऊपर है, अगर जितना हम स्टडी किए रहेंगे उस हिसाब से मेरे लिए तो ठीक ही ठाक था, और बाकी मेरा तो ठीक है, पास हो जाएंगे।